और उसे गोता खाते खाते नरक में गोता क्यों खाएंगे? स्वर्ग में गोता खाते अभी बाप मिल गया, पता चल गया कि श्रीमत क्या है, मनमत क्या है और मनुष्य मत क्या है, तो लगातार श्रीमत पर चलना शुरू कर दिया हाँ? तो फिर नीचे नहीं गिरेंगे। अगर श्रीमत पर चलते हैं तो उतना ही स्वर्ग मिलेगा, अगर अपनी मनमत या मनुष्यों की मत पर चल पड़े तो कहां जाएंगे, काय की शूटिंग होगी, नरक की शूटिंग होगी या स्वर्ग की शूटिंग होगी, बोलो नीचे गिरने की शूटिंग होगी। तो इसमें बाबा की गलती है, ड्रामा की गलती है या हमारी गलती है? हमारी गलती है, जो हम बाप को पहचानने के बावजूद भी नीचे गिरते हैं, दूसरों की मत पर चलते हैं, ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा मिला है उनकी मत पर नहीं चलते हैं। तो स्वर्ग में जो हम वही उतना ही जाएंगे जितना ऊंचे से ऊंचे की मत पर चलेंगे, अगर मनमत पर चले या मनुष्यों की मत पर चले तो काय की शूटिंग होती है, नरक की शूटिंग होती है या स्वर्ग की? नरक की शूटिंग होती है। और आत्मा ज्योति मतलब हम शांति कहते हैं, शांति से कहते हैं आत्मा ज्योति में बंद उठाते हैं, तो शांति का कुछ वैल्यू क्या रहता है? कोई कहे हम तो आत्मा हैं, आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है, तो आत्म की स्थिति में हम काम करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ मनसा सेवा ही करेंगे, क्योंकि हम तो आत्मा हैं, मन बुद्धि है, हम वाचा सेवा नहीं करेंगे, कर्मेंद्रियों से सेवा नहीं करेंगे, तो चलेगा है? अभी जब तक हम आत्म की स्थिति में पक्के नहीं हुए हैं तब तक हमको वाचा की सेवा ही करनी पड़े और कर्मेंद्रियों से भी सेवा करनी पड़े। जब हमारी आत्म की स्टेज पक्की हो जाएगी तो फिर भले हम छोड़ दें आत्मा, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, मैं आत्मा ओम स्वरूप हूं या ओम शांति कहना ही छोड़ दें, बस देखा और ओम शांति हो गई। अच्छा देखने की भी जरूरत नहीं, जा रहे हैं हाँ ये भाई आए ठीक, ओम शांति हो गई वाइब्रेशन से ही। लेकिन ऐसी स्टेज बनी है नहीं बनी है, तब तक करना पड़े। और देवियों की राशि का भेद, देवियों में सबसे बड़ी देवी कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा में कौन सी आत्मा प्रवेश करके कार्य करती है वो जगदम्बा बनती है, है? ब्रह्मा। तो सबसे बड़ी देवी कौन हो गई, है? तुम्हारी बात का जवाब मिला क्या, तुमने क्या प्रश्न किया है? देवियों की रात आज बात बताई ना, ब्रह्मा की रात सो देवियों की रात। और कल्प वृक्ष इसलिए उल्टा दिखाया गया, इस कल्प वृक्ष में सबसे ऊंची चीज कौन सी है और सबसे पावरफुल चीज कौन सी है और सबसे हल्की चीज कौन सी है? कल्प वृक्ष में पत्ते भी हैं, टहनियां भी हैं, फल भी हैं, फूल भी हैं, सब कुछ है ना, तना भी है, जड़ें भी हैं, लेकिन ये सारे वृक्ष में सबसे हल्की, सबसे छोटी और सबसे पावरफुल चीज कौन सी है?
बीज जो सबसे हल्का होता है, सबसे छोटा होता है, हल्की चीज ऊपर रहती है या नीचे रहती है? ऊपर रहेगी। जो बीज है इस सच रूपी कल्प वृक्ष का, वो बीज सबसे हल्का है, सबसे छोटा है और सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। तो ऊपर रहना चाहिए या नीचे रहना चाहिए? हैं? ऊपर रहना चाहिए। इसलिए ये उल्टा वृक्ष दिखाया है। बीज से ये सारा वृक्ष नीचे की ओर आता है। ये बीज हीरो पार्टधारी है। जब हीरो पार्टधारी है तो सारे चक्र में, 84 के चक्र में ऊंचा ही पार्ट हीरो पार्ट ही बजाएगा या नीचे पार्ट बजाएगा? हैं? कैसा पार्ट बजाएगा? ऊंचाई पार्ट बजाएगा। तो इसलिए ये कल्प वृक्ष को उल्टा करके दिखाया गया। शास्त्रों में भी लिखा है, ऊर्धम मूलम मदशाखा अश्वत्थम माहुरव्ययम्। इसको ऊपर की ओर जड़ें फैली हुई हैं। जड़ों से पहले क्या होता है? बीज होता है। जड़ें तो फिर भी स्थूल है, बीज तो उनसे भी सूक्ष्म है। तो ऊपर को जड़ें हैं, नीचे को शाखाएं फैली हुई है। एक महीना पहले भक्ति करके आए थे और गीता पाठशाला चलाते थे, वो तो बहुत गलामी कर रहे हैं। गीता पाठशाला चलाते थे बेसिक की? हाँ, अब आप एडवांस गीता पाठशाला चलो, बहुत गलानी कर रहे हैं। वो गलानी कर रहे हैं तो शिव बाबा की ज्यादा गलानी कर रहे हैं कि आपकी कर रहे हैं? बाबा को भी कर रहे हैं या बाबा की ही सबसे जास्ती कर रहे हैं? आप हमारी बात का जवाब दो पहले। सबसे जास्ती गलानी किसकी होती है? तो जब बाबा की होती है तो हमारी गलानी ही होगी। अच्छा नहीं लगता? अच्छा, 63 जन्म जो राजा बन के हप हप किया सो अच्छा लगता था? राजाओं ने कितना दुख दिया है सो नहीं मालूम? भक्ति लोग को आने नहीं देते हैं। जो कुछ भी वो कर रहे हैं, वो रिटर्न सेवा कर रहे हैं, हमारा हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं या कुछ नई बात कर रहे हैं? ले आइए, सुना देगी। आप एक जन्म में क्यों टिकते हैं? आपको जो भी वो दुख दे रहे हैं, वो आपका पूर्व जन्म का रिटर्न हो रहा है या कुछ नया दे रहे हैं? आपने जो किया है सो आपको रिटर्न दे रहे हैं, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आप तो हल्के हो रहे हैं, आपका हिसाब किताब पूरा हो रहा है। आपने उनसे जो लोन लिया है, वो लोन चुकतू करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। हाँ, तो फिर वो दुख दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब है? क्या हिसाब किताब है? हम जब राजा बने थे और वो हमारे दास दासी बने थे, तो हमने उनके ऊपर अत्याचार किए थे कि नहीं किए थे? अत्याचार आए, आत्मा आत्मा भाई भाई समझा था है? उन दास दासियों को आत्मा आत्मा भाई भाई परमात्मा का बच्चा समझा था या उल्टा व्यवहार किया था? तो अब हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे। वो हमें धक्का भी दे दें, निकलो हमारे सेंटर से बाहर, दो थप्पड़ भी मार दें, तो भी हमें क्या समझना चाहिए? अरे पूर्व जन्म में जब हम राजा थे, हमने इनको अपने राज्य से बाहर खदेड़ दिया था, मार मार के, पीट पीट के। अभी तो इन्होंने अपने घर की चौहद्दी से ही हमको बाहर कर दिया, तो हम फायदे में हैं या वो फायदे में है? तो आप फायदे में रहो ना, रोते काहे के लिए है? अच्छा नहीं लगा, अच्छा ही लगना चाहिए। ये ड्रामा पहले हमारे लिए बना है, हम भगवान के बच्चों के लिए बना है, बाद में दूसरे धर्म पिताओं के बच्चों के लिए बना है। ज्यादा फायदे में हम रहते हैं और धर्म पिताओं के बच्चे उतने फायदे में नहीं रहते। हमने इस ड्रामा का 3/4 हिस्सा सुख भोगा है और धर्म वालों के बच्चे तो आधा सुख आधा दुख भी नहीं भोगते हैं। बाबा मुझे बोला, जब बाबा से ये लगाते हैं उसमें आँख पर दस कर दस सो करके लेते लेते याद कर सकते हैं बाबा को, लेते लेते याद कर सकते। मैंने क्या, आपने कभी लेटे लेटे याद नहीं किया है? हमेशा करते हैं। तो अनुभव नहीं लिया कि लेटे लेटे याद करने से क्या होता है? अच्छा ही होता है। अच्छा होता है,
लेटे लेटे याद करने से नींद भी आ जाती है। बता, लेटे लेटे याद करेंगे नींद आ जाएगी, तो फायदा क्या हुआ, विदेशी बन जाएंगे। एक बार जग करके और फिर अगर सो गए तो कौन सा जानवर होता, कौन सा पक्षी होता है, मुर्गा, दूसरों को जगा देता है, हैं? दाता गंग कर देता है, चिल्ला देता है और फिर उसके बाद खुद सो जाता है। ऐसे तो बाबा नहीं सोते हैं, 2 बजे सोते हैं तो 5 बजे उठ ही जाते हैं, 2 बजे से बचते ही याद बाबा करते। तो कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं फिर, ये दर्द हो जाता है ना हाथ पैर में, फिर वही दर्द हो जाता है। कोई नया पुरुषार्थ, साइकिल चलाना सीखेंगे या साइकिल सीखे हुए भी हैं, बहुत दिन नहीं चलाई, फिर 2-4 दिन साइकिल चला ली, तो 2-4 दिन दर्द होगा कि नहीं होगा, प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो दर्द भी खत्म हो जाएगा। कोई ने लिखा है, पूछा है, हर मंत्र में ओम क्यों लगाते हो? हर मंत्र में ओम नहीं लगाते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे राम का मंत्र है, रंग रामाय नमः, रंग रामाय नमः, रंग रामाय नमः, उसमें ओम कहाँ आया? श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम आया? नहीं आया। तो कोई कोई मंत्र में ओम लगाते हैं, कोई में नहीं लगाते। ओम का मतलब है आत्मा। कोई भी कार्य करें आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के करें, अच्छी बात है। और राशि जन्म लेने वाले अंतिम जन्म में कभी कभी सुलभों में चले जाते हैं। 84 जन्म लेने वाले अंतिम जन्म में दूसरे जन्म में नहीं जाएंगे, तो कौन जाएगा? 84 जन्म वाले अंतिम जन्म में दूसरे धर्म में कहाँ चले जाते हैं? हैं? दूसरे धर्म में नहीं जाते। आप अष्टदेवों की बात कर रहे हैं, वो दूसरे धर्म में जन्म लेते ही नहीं कभी, हैं? माने कन्वर्ट हो जाते हैं? हाँ, कन्वर्ट नहीं होते। उन 8 की तो बात ही छोड़ दो, जो 4.5 लाख हैं, पक्की बीज रूप आत्माएं हैं, पक्के सूर्यवंशी हैं, वो भी दूसरे जन्म धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। शरीर छोड़ दिया, फिर इस जन्म के लगाव के अनुसार किसी धर्म में जाके जन्म ले लिया, उसे तो कन्वर्ट होना कहेंगे ही नहीं। इसीलिए पक्के हैं कि दूसरे धर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होते। हाँ जी, भक्ति मार्ग में कोई भी पूजा किया है, भक्ति मार्ग में कोई पूजा मंत्र के संग पाया है? ये मुख है शंख, हाँ, इसीलिए बजाया जाता है कि जब हम ज्ञान में आए हैं तो हमारे सारे काम तभी सफल होंगे जब हम दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे। हमने भगवान का ज्ञान ले लिया और दूसरों को नहीं सुनाया तो हम सफलता प्राप्त करेंगे नहीं? ये तो कंजूस हो गए, खुद ले लिया और दूसरों को दिया ही नहीं। तो शंख बजाना जरूरी है। कोई बात नहीं, बाबा तो कहते हैं 100 को सुनाओ तो 1-2 निकलेगा, 100 को सुनाएंगे तो 100 तुम्हारी प्रजा बन गई। प्रजा बनानी कि नहीं, प्रजा ज्यादा बनाएंगे या बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे? बोलो, प्रजा ज्यादा बनानी पड़े, बच्चे तो थोड़े पैदा होते हैं, 2-4-8, उनमें से भी बड़े बच्चे को बरसा दिया जाता है, छोटे बच्चों को तो बरसा मिलता ही नहीं, राजा ही का बरसा बड़े बच्चे को देंगे ना, तो बड़ा बच्चा 1 पावरफुल पैदा करना है या 100 पैदा करना है? आप क्या चाहते हैं, 100 को बरसा देंगे हैं या 10 को बरसा देंगे?
नहीं, वर्षा तो एक को ही देंगे, तो एक शेर पैदा कर दो बस हो गया काम। जन्म जन्मांतर एक बच्चा, हमारा जन्म बच्चा बच्चा बनता रहे और वह हमसे वर्षा लेता रहे, बाकी सब प्रजा बनने दो। तो रोना है या खुश होना है, है? दस को हमने सुनाया और उन्होंने नहीं सुना, तो खुश होना चाहिए, हमारी प्रजा तो बन गई। सौ को सुनाएंगे तो बाबा ने कहा एक जरूर निकलेगा, वह वारसदार बन जाएगा। और कृष्ण का जन्म इसी संगम में हो रहा है, इसी संगम पर कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण का जन्म संगम पर होता है। कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं, जो सतयुग में कृष्ण पैदा होगा उसकी बात कर रहे हैं, या जो शास्त्रों में जिसका गायन हो रहा है उस कृष्ण की बात कर रहे हैं? शास्त्रों में किस कृष्ण का गायन होता है? संगमयुगी कृष्ण का गायन होता है। तो संगमयुगी कृष्ण तो संगम में ही प्रत्यक्ष होगा, बाप के साथ बच्चे का जन्म होगा, बच्चा जन्म लेता है तो बाप भी। अरे बाप आते हैं तो अकेले आते हैं या तीन बच्चों के साथ आते हैं? हैं? तीन बच्चों के साथ आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो उनमें एक ब्रह्मा ऐसा भी है जो कृष्ण बनता है, संगम युग में बनता है या सतयुग में? हैं? संगम में कृष्ण बनता है, संगम की कृष्ण का गायन है शास्त्रों में। आठ रानियां, 108 पट रानियां, 16,000 रानियां, ऐसी ऐसी बातें जो लिखी हुई हैं, वो यादगार कहाँ की हैं? संगम की यादगार हैं। कृष्ण को थोड़े ही वहां सतयुग में ऐसे ढेर सारी रानियां पानियां होंगी। और पद फिक्स है, ड्रामा में पद फिक्स किया हुआ है, तो जो लास्ट तो फास्ट ये लास्ट तो फास्ट होना भी फिक्स है। लास्ट में आएंगे वो ही फिक्स हो, जो हुए पड़े हैं वो ही आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। जो ये कि आदि में आए थे फर्स्ट में, वो ही लास्ट में आएंगे, वो ही लास्ट हो फास्ट फिर जाएंगे, फास्ट जाएंगे तो फिर फर्स्ट आएंगे। ये कि आदि में आप में आप फर्स्ट में थे या नहीं थे, आप यज्ञ के आदि में थे या नहीं थे? पता ही नहीं। तो दीदी दादियां जो इतने पुरानी चल रही हैं वो क्यों नहीं आ गई इस ज्ञान में? तुमने कैसे समझ लिया है? हाँ, तो इसे साबित होता है ना कि तुम पहले भी थे, पुराने जन्म का अपना ज्ञान का संस्कार लेकर के आए, यहाँ आके दूसरा जन्म लिया और फिर इस ज्ञान में चल पड़े। दीदी दादियों ने नहीं लिया, ये गायन है। जो आदि में थे वो अंत में फिर आते हैं, आदि में फर्स्ट में थे, दूसरा जन्म लेकर के अभी लास्ट में आए, अब लास्ट में आकर के फिर फर्स्ट आ जाएंगे, फर्स्ट आवेंगे तो फिर फास्ट जाएंगे अगले कल्प में। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा को देखते हैं वैसा ही बनने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा कुमार को देखे, ब्रह्मा कुमार ही बनने की इच्छा करने। तो अब ब्रह्मा कुमारों को देखना शुरू कर दो, देखें तुम्हारी इच्छा हो जाएगी ब्रह्मा कुमार बनने की। अब तुम ब्रह्मा कुमारों को देखना शुरू कर दो। शुरू करोगे ब्रह्मा कुमारों को देखना शुरू करोगे? हम लोग ब्रह्मा कुमार हैं, हम लोग ब्रह्मा कुमार हैं। अम्मा कुमार हो, सिर्फ अम्मा कुमार हो, तो फिर तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारों को देख रहे हो, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बनोगे। अब आप ब्रह्मा कुमारों को देखोगे फिर? नेता को देखते हैं, नेता बनने की इच्छा करने लगता है। नेता को भी देखते हैं तो नेता बनने की इच्छा करने लगता। तो ज्ञान अधूरा है, ज्ञान जिनको संपूर्ण बैठ जाएगा कि हम भगवान के बच्चे बन गए, तो जो भगवान के बच्चे होते हैं वो तो विश्व के मालिक बनते हैं। जो साधु संत महात्माएं हैं उनको ज्यादा प्राप्ति होती है या इन नेताओं को ज्यादा प्राप्ति होती है? हैं? 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वो भी 5 साल गद्दी पर बैठे बैठे न बैठे,
बीच में इंदिरा गांधी की कोई नाक पत्थर मार के तोड़ देता है। ये राजा ही चाहिए तुमको, कांटों का चाज लेकर के चल रहे हैं। आज कुर्सी पे बैठते हैं, कल उनको जेल में डाल देते हैं। तुमने भ्रष्टाचार फैलाया है। ऐसा क्यों होता है? कई जैसा संघ वैसा रंग नहीं लगेगा, जैसा संग करोगे वैसा रंग लगेगा नहीं है? हाँ, एक बात है, संग शरीर से भले करें, संग इंद्रियों से भले करें, लेकिन मन बुद्धि जो है शिव बाबा के संग रहे तो रंग नहीं लगेगा। श्रीमत पर चलो और मन मत या मनुष्य मत पर मत चलो तो सारी दुनिया तुम्ही को फॉलो करेगी। शिव चर्चा जो जगह जगह पर सवाल भी करता है। क्या करता है? शिव चर्चा शिव बाबा की चर्चा करता है। ऐसे शिव चर्चा भगवान की चर्चा करता है। हाँ, उसमें तीन सूत्र कहता है। शिव शिव की पूजा करते हैं। शिव की याद करते हैं। हाँ, शिव चर्चा चला हुआ तीन सूत्र बताया जाता है। हाँ, उसमें दया मांगना है, दया मांगिए, शिव से दया मांगिए, दया मांगिए। हाँ, दूसरा चर्चा कीजिए, माने जगह जगह जाके प्रचार कीजिए। हाँ, महिमा करो, चर्चा करो। हाँ, दूसरा 108 नमः शिवाय। एक बात तो पहले समझ लो, तीन सूत्र बताते हैं। शिव बाबा की चर्चा जो करते हैं वो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि संगम युग में जिन्होंने शिव की चर्चा की है, शिव का ज्ञान दूसरों को सुनाया है, उनकी सारी दुनिया आज पूजा कर रही है। इसलिए भक्ति मार्ग में फॉलो करते हैं कि देखो उन्होंने शिव की चर्चा की तो सारी दुनिया उनकी पूजा कर रही है। चर्चा कहाँ करते हैं? तो बस झूठे मुंह का जितनी भक्ति भक्ति मार्ग में तो भक्ति ही होगी। आठ जो नमः शिवाय करते हैं उतना ही हम भक्ति मार्ग में तो भक्ति ही करेंगे न कि ज्ञान करेंगे। भक्तियों मार्ग में करता है, भक्ति मार्ग में तो बुद्धि भागती रहती है या बुद्धि टिकती है? तीन सूत्र कीजिए भर दिन एक बार। हाँ, तो बुद्धि जो है टिकती है या भागती है? भागती। भागती है तो उसको भक्ति कहा जाता है। ज्ञान मार्ग में बुद्धि टिकती है उसको ज्ञान कहा जाता है, ये अंतर है। अब ऐसी प्राप्ति होती है। शिव चर्चा वाले कब आएंगे? वो कलयुग के भगत हैं या द्वापरयुगी भगत हैं? तो पहले द्वापरयुगी भगत तो आ जाएं जिन्होंने अब व्यभिचारी चर्चा की है। ये तो वैश्या की चर्चा हो गई। वैश्या को आज रईस आदमी मिल जाता है तो उसकी चर्चा करने लग पड़ती है दूसरों के, देखो हमको इतना पैसा दिया उसने। राजा मिल जाता है तो राजा की चर्चा करने लग पड़ती है, तो व्यभिचारी नहीं हुई ना। तो ऐसे ही ये व्यभिचारी भक्ति करने वाले हैं आज की चर्चा करने वाले। हम तो द्वापर युग के आदमी, हमने शिव की चर्चा की है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई।
एक शिव बाबा की भक्ति की है, एक शिव बाबा की भक्ति करने वाला और आज शिव की करे, कल गणेश की पूजा करे, परसों हनुमान की करे, वो ज्यादा अच्छा। एक की करने वाला अच्छा। बता दिया ना, बता दिया ना, उसको कहते हैं भक्ति। बुद्धि भागती रहे, मन भागता रहे, उसको कहें भक्ति। और बुद्धि एक में टिक जाए उसको कहते हैं ज्ञान। एक का अगर पूरा परिचय होगा तो टिकेगा, एक का पूरा परिचय ही नहीं है, उसके महत्व को जाना ही नहीं है, उस एक से फायदा क्या होता है यही बुद्धि में नहीं बैठा है, तो एक में बुद्धि टिकेगी कहां से? बुद्धि में तो सर्वव्यापी बैठा हुआ है, गणेश भी भगवान, हनुमान भी भगवान, सांप की भी पूजा कर रहे हैं, सर्प भी भगवान, बिच्छू टिंडन भी भगवान, सुअर भी भगवान, मत्स्य भी, कच्छ मत्स्य अवतार, वो सब भगवान हो गए। तो बुद्धि तो भाग रही है, बुद्धि में एक रूप पक्का बैठे कि यही भगवान का रूप है जो शाश्वत है, तो बुद्धि का भागना बंद हो। बाबा बच्चे लोग कहते हैं ज्ञान मिल गया घर बैठे, बाबा को याद करो, कहीं जाने का दरकार नहीं है, कहीं जाने का दरकार नहीं है, बाबा मिल गया घर बैठे याद करो, बाबा घर बैठे याद करो, माने बाबा जो है प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आया है या निवृत्ति मार्ग स्थापन करने आया है? तुम मन मत करो, उनसे पूछो कि शिव बाबा प्रवृत्ति मार्ग वाला है, प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता है या निवृत्ति मार्ग स्थापन करता है, तो वो क्या जवाब देंगे? वो तो जानता ही नहीं बाबा, कहीं सब कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं जाना कि अर्जुन को ज्ञान दिया भगवान ने, तो अर्जुन गृहस्थी था कि सन्यासी था? तो फिर समझाओ उसे, नहीं जानता है तो। हाँ, जब गृहस्थी था तो गृहस्थी को अकेले बैठ करके सुख लेना है या गृहस्थी के जितने भी भाती हैं सबको सुख देना है? सबको सुख देंगे तो सुख मिलेगा, सबको दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। तो हमारा भी यहाँ परिवार है भगवान का, हम भी यहाँ भगवान के बच्चे बने हैं, तो ऐसे नहीं हम घर में बैठ जाएं तो हमें भगवान मिल जाएगा, भगवान से सुख मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं। हमारा जो परिवार है हम परिवार के भांति बनकर के चले तभी सुखी होंगे। और बच्चे की इतने को तो बनाई, इतना बच्चा निकल गया, तुम्हारा इतना पर्जा तैयार हो गया, बंद करो। कहते इतना पर्जा तुम्हारा तैयार हो गया, बंद करो। बच्चे लोग कहते हैं प्रजा, किसी राजा को प्रजा बहुत ज्यादा हो और वो प्रजा में ऐसा कोई ना हो जो मिलिट्री में भर्ती हो, राजा की मिलिट्री कोई नहीं बनना चाहता, कहते हैं ये राजा तो डरपोक है, इसकी मिलिट्री बन करके हम क्या करेंगे, तो ऐसी प्रजा से क्या फायदा? प्रजा भी ऐसी हो, यथा राजा तथा प्रजा। राजा शेर जैसा होगा तो प्रजा भी कैसी निकलेगी? शेर जैसी निकलेगी। ढेर सारी नहीं चाहिए, 5 पांडव चाहिए या 100 कौरव चाहिए? 5 पांडव चाहिए जो भगवान के पीछे लगने वाले हों। और हम दूसरों की बातें सुन क्यों लेते हैं? बच्चे बोलते हैं बाबा, बच्चे बोलते हैं, बच्चों को जवाब नहीं दिया जाता, क्या जवाब देते हैं? आपने एक्यूरेट जवाब ही नहीं दिया। अगर आप जवाब देंगे तो यहाँ भरी सभा में पूछेंगे क्यों ऐसे कच्चे कच्चे प्रश्न? बाबा सब खरे समझेंगे, बड़े लड़का समझते हैं लेकिन छोटा नहीं समझते। आप उनको जवाब दीजिए ना सीधा सीधा। हाँ, ये क्यों बोलते हैं मैं बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं? बाप कहाँ, ये कहाँ कौन सी अव्यक्तवाणी बोला मैं बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाता हूँ? अव्यक्तवाणी में कहाँ बोला? तुम्हें अव्यक्तवाणी का और मुरली का अंतर ही नहीं मालूम इसलिए पूछ रहे हो। अव्यक्तवाणी किसे कहते हैं और मुरली किसे कहते हैं बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, आगे बढ़े फिर। मुरली कहते हैं ब्रह्मा के तन में जब शिव बाबा आते थे, ब्रह्मा बाबा जीवित थे
उस समय जब शिव बाबा उनमें प्रवेश करके जो कुछ बोलते थे वो मुरली कही जाती है। फिर ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर जो है वो गुलजार दादी में प्रवेश करता है। गुलजार दादी में प्रवेश करके जो बोलते हैं वो अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त वाणी में ऐसे कभी नहीं बोला, ये मुरली का वाक्य है। और अगर ब्रह्मा जड़ है तो सभी आत्माएं ब्रह्मा के बंधन में क्यों बंधी? ब्रह्मा के बंधन में क्यों बंधी हुई है? प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? तो जड़ प्रकृति के बंधन में आएंगे तभी सुख दुख भोगेंगे, या बिना जड़ प्रकृति के बंधन में आए सुख दुख भोग लेंगे? बंधन में आएंगे तो सुख दुख भोगेंगे। जो प्रकृति चार अवस्थाओं से गुजरती है वही ड्रामा है। प्रकृति के जो पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन चारों पांचों का जो संघात है वो चार अवस्थाओं से पसार होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इसी को ड्रामा कहा जाता है। ड्रामा के बंधन में शिव बाबा भी बंधा हुआ है, ड्रामा के बंधन में हम आत्माएं भी बंधी हुई है। सन्यासी लोग तो झूठ बोलते हैं आत्मा को मोक्ष हो जाता है हमेशा के लिए। मोक्ष तो दुनिया में किसी को हो ही नहीं सकता, सदा काल के लिए मुक्त कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। अगर बंधेंगे नहीं तो ये दुनिया ही नहीं चलेगी। धर्म है तो धर्म पिता कौन है? पता है? पता ही नहीं है। ऐसे ही जो देवी देवता सनातन धर्म के थे, 33 करोड़ देवी देवताएं, उन्होंने अपन को हिंदू समझ लिया, वो भी अपने आप नहीं समझा, दूसरे धर्म वालों ने आकर के नाम दे दिया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के आधार पर नाम दे दिया हिंदू। न ये धर्म है न ये जाति है। अच्छा, सिख अपने को हिंदू कहते हैं कि नहीं है? वो भी तो अपने को हिंदू कहते हैं। और यदि जो कल 1000 खतरी कटेगा जरूरी है क्या? जो दुर्गा देवी बना रहे हैं लोग, तो जो कल 1000 खतरी कटेगा कोई मान जरूरी है, सही चीज है कि गलत चीज? आपने तो समझा है, आपने समझ लिया है तो खर्च करना बंद कर दिया। उन विचारों को समझ ही नहीं है तो खर्च कर रहे हैं। आपका काम है उनको समझाओ। आप समझाते क्यों नहीं? गलती उनकी है कि आपकी? उनकी गलती कहाँ है? आप भी तो ऐसे ही करते थे। हम लोग नहीं करते। आप नहीं करते थे? आप कुछ भी नहीं करते थे? आप कुछ भी नहीं करते थे? पूजा पाठ करते थे। करते थे ना पूजा पाठ? हाँ, तो उसमें खर्चा करते थे ना, वो अंधश्रद्धा थी ना, तो फिर ऐसे ही वो भी अंधश्रद्धा कर रहे हैं। जब उनको समझ मिल जाएगी तो बंद कर देंगे। आपको ज्ञान मिल गया तो आपका अज्ञान छूट गया, भक्ति छूट गई। उनको ज्ञान मिलेगा तो उनकी भी भक्ति छूट गई। भक्ति तो होनी ही है मुर्दाबाद दुनिया में से। आज मुर्दाबाद हो जाए तो ये इतने बैठे हुए हैं, इनकी नंबर वार भक्ति मुर्दाबाद हुई, कल सारी दुनिया की भक्ति मुर्दाबाद होनी है। तो ये हमारा काम है कि हम उनको समझाएं। हम लड्डू पेड़ा खाने में लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया मेलमानियां बनाने में लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में लगे हुए हैं, तो उनको कौन समझाएगा? मान मर्तबा लेने में लगे हुए हैं तो उनको कोई समझाएगा नहीं। हाँ, यहाँ संगम युग में जो मैं करते, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, तो मैं करने वाले कौन हुए?
बकरा जैसे हो गए, वो बकरे की बलि लेगी महाकाली। जब महाकाली का पाठ प्रत्यक्ष होगा तो ऐसे बकरों को, हाँ भैंस बुद्धि भी होती है, भैंस नहीं होती है बुद्धि वाली, भैंस जैसी बुद्धि होती है कि नहीं, हाँ उसका दूध भी ऐसा ही होता है भैंस बुद्धि बनाने वाला। यहां भी भैंसें हैं ज्ञान में चलने वाली, उनको जाके ज्ञान सुनाओ, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, है बैठता है, बैठता है कि नहीं बैठता है, नहीं बैठता तो भैंस बुद्धि है ना। वो जो आस्था चैनल में बड़े बड़े चैनल से निकलते हैं टीवी वाले, उनमें ज्ञान सुनाती है, ज्ञान दूध देती है, वो ज्ञान दूध भैंस बुद्धि का है या गाय बुद्धि का है? भैंस बुद्धि का ज्ञान है वो ज्ञान दूध। दूध तुम पीते हो? क्यों नहीं पीते? अरे आस्था चैनल में रोज सवेरे एक दो घंटा आता है, तुम क्यों नहीं पीते? क्योंकि तुम्हें गाय का दूध मिला है, तो तुम क्यों भैंस का दूध पियोगे? गाय का दूध बहुत पावरफुल होता है, बुद्धि शुद्ध करने वाला होता है, बीमारियों को भगाने वाला होता है। अच्छा और ब्लड प्रेशर आता होगा, बीमारी आती होगी, कोई बीमारी को दूर करने के लिए कुछ न कुछ किया जाता है, नहीं आना चाहिए है? खुल के बोला ना तो रुक गया है, ऐसे ही क्यों कोई पहनेगा? तो बिना बिना कोई कारण के कोई काम करे तो वो तो भक्ति मार्ग हो गया, अंधश्रद्धा हो गई। कोई काम जो किया जाए उसका कारण कार्य का विश्लेषण करके करना चाहिए, ऐसे ही कोई काम करना शुरू कर दे, बोलो है? सोच समझ के करना चाहिए। और तुमने क्या समझा ये टाइप के पहने ऐसे तो नहीं है, सिस्टम समझ दिया जाता होगा, बहुत कुछ देखा देखी करते हैं, बहुत कुछ देखा देखी करते हैं। कितना लंबा चौड़ा पढ़ने में भी सारा टाइम चला जाएगा। संदेशी जब संदेश लाती है बेसिक ज्ञान में जो चलते हैं ना, तो वहां संदेशी संदेश लेके जाती है, तो संदेश लाती है तो कहते हैं कि सूक्ष्म मदन में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को चीज मुख में खिलाते हैं, भोग खिलाते हैं, फिर कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से आपस में भूमिहान कर रहे थे। इसका क्या मतलब है? मन दो अलग अलग है कि एक ही है? सूक्ष्म बदन में जब संदेशियां जाती है तो वहां ऐसे समझाया जाता है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से बात कर रहे हो, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को भोग दिया, तो ये दो अलग अलग है या एक है? एक है तो दिलाएंगे कैसे? अपने अपने को दिला दिया, अपने अपने से ही बात करेंगे क्या? कहने की बात नहीं है, यहाँ शिव बाबा भी है और यहाँ ब्रह्मा बाबा की सेवा भी काम कर रही है। बच्चों जैसे बुझाना में ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं ना तो क्यों सुरक्षा नहीं करते हैं, लेकिन जब जगदम्बा में प्रवेश करते हैं तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं या बिंदु बन के प्रवेश करते हैं? तो जगदम्बा ब्रह्मा हो गए और शिवबाबा शिवबाबा हो गए, शिवबाबा का शरीर और जगदम्बा का शरीर अलग अलग है एक ही है? अलग अलग है, तो एक दूसरे को खिला नहीं सकते हो, खिला नहीं सकते, बात नहीं कर सकते हो, जो बातें यहां एडवांस पार्टी की है वो बातें वो वहां देखती है,
साक्षात्कार, जैसे कोई स्वप्न देखता है ना, ऐसे वो साक्षात्कार देखते हैं। संशय नहीं लाना चाहिए और बोलो गाय तो है, गाय की एक खासियत है कि इस दूध से बांधती गई, दूध से बंधी हुई है, तो गाय का आदर्श कन्या माता है, गौ है, और गौ में कोई ज्ञान दूध देती है वो अपने आप नहीं देती, फिर उनकी आत्मा बांध दिए जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी आत्मा बधे हुए हैं या खुले हुए हैं? बधे हुए हैं, मजबूर हैं वेद ज्ञान सुनाने के लिए, वो देना नहीं चाहती, ज्ञान का दूध देना नहीं चाहती, लेकिन बंधी हुई है, मजबूर हो गई है कि अगर हम नहीं सुनाएंगे तो एडवांस पार्टी आगे बढ़ जाएगी, हम लोगों मरे, हमें कोई एक पैसा नहीं मिलेगा, हमारा मान मतलब खत्म हो जाएगा, हमें बहन मारने आता है मिलेंगे नहीं, हमें अच्छा अच्छा 36 प्रकार का जो भोजन देवी सब्जियां बनाते हैं वो खाने को नहीं मिलेंगे, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। तो मजबूरी में ज्ञान सुना रहे हैं या सहज सहज सुना रहे हैं? ये ज्ञान का दूर है, गवर्नमेंट भी है, उनके हाथ पांव बदे हुए हैं और इन गर्मों के हाथ पांव बोले हुए शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए सही व्यवहार करती है, तो उससे कौन सी आत्मा? वो अकाल मौत में से छोड़ते हैं वो भूत के, तो ये हत्या कर दी, तो जिसकी हत्या हुई वो भी भूत प्रेत बने, और जो हत्या करने वाला है वो तो भूत प्रेत है ही, तो वो देखिए भूत ने उसके ऊपर आदेश कर लिया, तब उसने हत्या की, जो लक्ष्मी बनने वाली मूर्ति है, मूर्ति तीन,
बाबा ने ज्ञान में चलना शुरू किया, ज्ञान में उनको निश्चय बैठ गया कि मैं कृष्ण बनूंगा, सत्युग में जाकर के मेरा जन्म होगा नई दुनिया में, ये पुरानी दुनिया कसम खत्म होने वाली है और मुझे अब ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर, ये पक्का निश्चय बैठ गया। वहां जाकर जाकर कृष्ण बने, यहां ज्ञान का बीज पड़ा तो रात के बच्चे बने, ब्रह्मा और सप्तति बने, वहां क्या बनेंगे राधा कृष्ण बने, तो यहां बीज पड़ा ना ज्ञान का, किसके द्वारा पड़ा, लक्ष्मी और नारायण के द्वारा, जो सदम लक्ष्मी नारायण है बनने वाले हैं, उन्होंने लिए कितने आदमी उनके अंदर ज्ञान का बीज डाल, तो सभी में जाके लक्ष्मी नारायण बने। ऐसे ही जगदम्बा का ऐसा प्रश्न आया, लक्ष्मी नारायण तो सभी में राधा की को जन्म देंगे, तो जगदम्बा किसको जन्म देंगे, किसकी अम्बा है, जगत की अम्बा है, सारे जगत के अंदर जो जगदम्बा है, सारे जगत की अम्बा पहले ब्राह्मण की अम्बा कौन है, जो पहला ब्राह्मण, जो पहला देवता, जो पहला वैश्य, जो पहला वैश्य, जो पहला सूर्य, वो पहला ब्राह्मण बनता है कि नहीं बनता है, कौन है वो, क्या बेटा, तो जो पहला ब्राह्मण है वो किसी ब्रह्मा का बच्चा बनेगा तभी तो ब्राह्मण हुआ, ब्राह्मण बने बिगड़ प्रजापिता था क्या, मुरली ने बोला, बाबा ने प्रश्न पूछा, मुरली ने मुरली में बाबा ने यह प्रश्न पूछा कि ब्राह्मण बने बिगड़ प्रजापिता था क्या, हाँ पहले ब्राह्मण बना, ब्राह्मण बना तो किसकी और ब्रह्मा की, कौन ब्राह्मण है, जगदम्बा, तो आदि में जो बच्चा बच्चा बना तो अभी भी राम वाली आत्मा जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो नई दुनिया में प्रवेश कब करेगी, संगम में जब करेगी तो जरूर जगदम्बा इंद्र करती है, तो रखा गेट खोलेगी, जल का गेट खोलेगी तो स्वर्ग में पहले प्रवेश कौन करेगा, कोई करेगा कि नहीं, लक्ष्मी नारायण प्रवेश करेगी, तो नारायण जब प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के लिए उद्घाटन कौन करेगा, स्वर्ग की गेट का उद्घाटन माताएं करेंगी, ब्रह्मा करेगा, स्वर्ग का गेट माताएं खोलेंगी या कुछ खोलेंगे, माताओं ने कहीं माता कौन, जगदम्बा, तो जगदम्बा यहां निमित्त बन गई, मां बन गई, माता ने जन्म दिया, लक्ष्मी नारायण, अगर उसने मुझसे न सुनाया होगा लक्ष्मी के आगे प्रजापिता को, आम से प्रजापिता ने सुना ही ना होगा दादा इंद्रराज की साक्षात्कार की बातों को, प्रजापिता ब्राह्मण बनता, लक्ष्मी ब्राह्मण बनती, जन्म देती है सारे जगत को जन्म देने वाली है, तो पहला पहला जन्म भी किसी को देती है, नहीं देती, लेकिन किसको जन्म दिया, प्रत्यक्षता रूपी
वाली कौन बनी? माताएं स्वर का गेट खोलेंगी या नहीं खोलेंगी? तो जब स्वर का गेट खोलेंगी माताएं, तो स्वर के गेट में पहले पहले प्रवेश कौन करेगा? फाउंडेशन है। अभी फाउंडेशन पहले पड़ता है या पहले मकान बन के खड़ा हो जाता है? अरे एक बात का जवाब तो दे दो। पहले नींव पड़ती है, जो नींव पड़ती है और जो मकान बन के खड़ा होता है वो अलग अलग बात है, नहीं है एक ही बात है, अलग अलग बात है। जो मकान अलग अलग, नींव अलग है, जो नींव है वो मकान बना बन जाता है, तो अलग अलग नींव है। अभी नींव पड़ रही है, फाउंडेशन पड़ रहा है, तो यही है नई दुनिया का, नई सृष्टि का मकान बने। पांडवों में पांचों पांडव एक जैसे हैं, एक जैसे हैं या अलग 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 तरीके के? तो उनमें कोई सूर्यवंशी होंगे कि नहीं? कौन है सूर्यवंशी? उनमें कोई धर्म की पालना करने वाला पूरा धर्मराज होगा कि नहीं? युद्ध में स्थिर रहने वाला होगा कोई या नहीं? यह सब निर्जन वाले होंगे। पांच पांडवों में युद्ध में डटा रहने वाला आज से अंत तक कोई होंगे या नहीं होंगे? होंगे। वो सूर्यवंशी, जो सूर्यवंशी है उन्हीं के द्वारा इंडिया का कांग्रेस में रखा। और साइंस से भी बड़ा चीज है साइलेंस, और जिन्होंने साइलेंस को धारण किया है वो पांडव हुए, और जो साइंस और चमत्कार को धारण किया है वह कौरव और यादव है। अच्छी बात है, कभी कह रहे काम काम करेगा, आज भी काम काम को ज्यादा करते हैं लेकिन गंध खाना छोड़ देते नहीं, छोड़ तो जो गंध खाना छोड़ते नहीं है, कौरवों की संतान हुए, कुरु की संतान हुए, मैं करता हूँ, पाओ पाओ पाओ, फाइव स्टार होटल बना रहे हैं, मस्तियां मार रहे हैं फाइव स्टार होटलों में, वो सब स्थापन कर रहे हैं या नर्क बना रहे हैं? नर्क बना रहे, वो काम काम ज्यादा करते हैं, आंखों की आवाज ज्यादा करते हैं, वो गर्मी बनाते हैं। ये क्या होता है? बीज है, गठड़े, गठड़े को बीज कहते हैं, हैं? गठड़े, हाँ हाँ गठड़े, गठड़े क्यों मनाया जाता है? अज्ञानता है इसलिए गठड़े बनाते हैं। काय का बर्थडे मनाते हैं? शरीर का मनाते हैं या आत्मा का मनाते हैं? शरीर का मनाते हैं, शरीर का बर्थडे मनाना चाहिए या आत्मा ज्ञान में कब आई वो बर्थडे मनाना चाहिए? आत्मा मुख्य है या शरीर मुख्य है? आत्मा मुख्य है, आत्मा के बारे में कोई जानते ही नहीं है, समझते हैं वो देह है, तो देह का बर्थडे मनाते हैं। राम है या राइट है? राम है, ये राजीव ने जो सिखाया सोई कर, ये इनके बाप को जानते हैं तो ये इनका बर्थडे बनाते हैं। आत्मा और आत्मा के बाप को जानते ही नहीं तो आत्मा का बर्थडे बनाते, याद भी नहीं रखते। यहां से कितने बैठे हैं किसी को याद है हमारा जन्म का हुआ? हमने कभी ये पक्का निश्चय किया हमें आत्मा है, हम छोटे हिंदू हैं, हम स्टार हैं,
हम देह नहीं है, ये देह तो आज है कल कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम खत्म हो जाएंगे या रहेंगे है? हम तो रहेंगे तो हम कौन है, हमारा रूप क्या है? वो ज्योति बिंदु हमने गम को चिन्ह धारण किया, हम ज्योति बिंदु है। ये वो दिन याद है कि जब हमने ये कंता बुद्धि में बैठा लिया कि हम बिंदु है, ज्योति बिंदु है, स्टार है, वो दिन याद है याद बता कौन सी तारीख है? 2008 तारीख नहीं हुई, 23/8/2008 लेकिन आपने निश्चय कब किया आत्मा का? ये तो आत्मा हो गई, लेकिन आत्मा बाप का बच्चा बनती है मृत्यु के बाद, वो अलग बात। लेकिन आपने ये निश्चय किया कि हम ज्योतिबिंदु आत्मा है, हम देह नहीं है, ये बात पक्की है, ये सच्ची है, ये कब, ये कब आपकी बुद्धि में बैठ गया? बच्ची कराना अलग बात, कोर्स आपको यहाँ भी बैठे बैठे कराया जाता है, और बच्ची जो गर्भ में पकना होता है 9 महीने या 9 दिन, वो कहाँ होती है? बाप के घर में जाके जन्म लेंगे, यहाँ बैठे बैठे जन्म ले लेंगे, निश्चय का बेटी याद रखना, बच्ची में निश्चय पैदा करना कि ये हमारा बाप है, इसके अलावा कोई हमारा बाप नहीं है, वो अलग बात, वो बाप की पहचान होगी। लेकिन आत्मा की पहचान कब, आत्मा का जन्म कब होगा? ये बिंदु में हमने कब से धारण कर लिया कि हम आत्मा हैं, बिंदु हैं, हम देख रहे हैं, वो वर्ष है। ये है कच्चा वर्ग, एक पक्का वर्ग नहीं है। जो ब्राह्मण का जो होता है ना, ब्राह्मण वो एक जन्म कहते हैं या द्विजन्म कहते हैं, द्विजन्म दो जन्म देने वाला कहा जाता है। तो एक जन्म तो ये हुआ कि ज्योति बिंदु आत्मा है, और दूसरा जन्म वो है कि हम ये ज्योति बिंदु आत्मा जो है, ये सब ज्योति बिंदु आत्मा, सारी चीजें ज्योति बिंदु आत्मा है। हम सी ज्योति बिंदु आत्मा है, हमने सचिवी रंगमंच पर कौन सा विशेष पाठ बजाया, संघ में हुए हमारा किस नाम रूप से गायन होता है, जो शास्त्र में 33 करोड़ देवताएं गाये हुए, उन देवताओं में से हमारा नंबर कौन सा, ये बुद्धि में फिक्स हो जाए। तीन सूत्रों को धारण कर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन ज्ञान के सूत्र है, ये एक बात में बने हुए हैं ब्रह्म पांच, हम वो यज्ञ को नित्य धारण करने वाले हैं। वो ब्रिज कह वो दूसरा जन्म, तो देह का जन्म मना रहे हैं तो जैसे भगत हो गए, देह का जन्म तो भूल ही जाना चाहिए, देह हमारी है पता, हमने बाहर दे दी, जैसे बाबा चलाएंगे वैसे चलाएंगे चलते, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, देवदारी बच्चे हैं या आत्मा, हम आत्मा बच्चे हैं, शिव बाबा आत्मिक स्थिति में है तो शिव बाबा के बच्चे हैं, देव अंग में है तो किसके बच्चे, अगर आवाज बच्चे होते